हेलो दोस्तों, एक समाचार में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की खबरें देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल एक समाचार को सब्सक्राइब कीजिए। बेल के बटन को दबाकर हमारी नई नई खबरें देखने के लिए देखते रहे एकता समाचार। धन्यवाद। कोविड 19 से संक्रमित पीड़ितों की सेवा में दुधेवान फल वितरण के लिए चल पड़ा कारवां। डॉक्टर राजा राम मीणा के परामर्श से कोविड 19 केयर सेंटर मानकपुरा के प्रभारी एवं प्रधानाचार्य श्रीमान भरत जी पाटीदार की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में एक छोटी सी टीम श्री प्रमोद शर्मा, पंकज सोनी, शंकर लाल खेची, समाज सेवी श्री वीरेंद्र गोवाड़िया तथा शेख राजू भाई बर्तनवाला के रूप में गठित की गयी। टीम को दायित्व सौंपा गया कि नगर के प्रतिष्ठित भामाशाह एवं समाज सेवियों से चर्चा कर संक्रमित पीड़ितों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में संवर्धन हेतु दूध एवं फल वितरण किए जाए। एक छोटे से प्रयास के द्वारा समाज सेवी लोगों का एक कारवां निकल पड़ा, जिसमें दिनांक 19 मई को धनराज गोवाड़िया एंड सन्स तथा धनराज गोल्ड के प्रबंधक श्री वीरेंद्र गोवाड़िया, अमित गोवाड़िया तथा सुनील गोवाड़िया के द्वारा, दिनांक 20 मई को एच केसरीमल ज्वेलर्स के प्रबंधक श्री प्राशुभाई शाह नरेंद्र जी शाह के द्वारा एवं दिनांक 21 मई को शाह हीरा लाल केसरीमल सराफ के प्रबंधक श्री राहुल शाह, नितिन शाह एवं कीर्ति कुमार जी शाह के द्वारा 100 पीड़ितों को फल एवं दूध वितरित किया गया। इसी क्रम में आज दिनांक 22 मई को संचावत परिवार के भामाशाह एवं समाज सेवी श्री संतोष मांगीलाल जी संचावत के सौजन्य से कोविड 19 केयर सेंटर मानकपुरा एवं जे आर नर्सिंग इंस्टीट्यूट सागवाड़ा में कोरोना पीड़ितों के रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हेतु 100 पीड़ितों को फल एवं दूध वितरित किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य श्री भरत पाटीदार, अध्यापक श्री प्रमोद शर्मा, श्री पंकज सोनी, वीरेंद्र गोवाड़िया, मधुसूदन संचावत एवं राजू भाई बर्तनवाला उपस्थित थे। आगे भी यह कारवां चलता रहेगा और समाज सेवी लोग जुड़ते रहेंगे। आज सागवाड़ा में संतोष जी संचावत द्वारा फल फ्रूट बांटे जा रहे। वैसा बताइए, क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ आज? आज यहाँ पे 56 कोविड 19 के पॉजिटिव हैं, जिनके लिए एप्पल और अंगूर और दूध कम से कम हमने एक पेशेंट को कम से कम 200 ग्राम देने का तय किया है और एप्पल और अंगूर हम बांटेंगे आज। आज के भामाशाह कौन है आपके? आज के भामाशाह हैं संतोष जी संचावत, मांगेल जी संचावत। कितने दिनों से ये कार्य कर रहे हैं? ये कार्य हम कर रहे हैं सब 5 से 6 दिन हो गए। सबसे पहले तो मैं सेम था भामाशाह इसका, उसके बाद प्राशु, उसके बाद राहुल एच केसीमल, हीरालाल केसीमल, उसके बाद आए आज संतोष जी हैं। धन्यवाद साहब। ये हमारी भोजनशाला चलाने वाले राम रसोड़ा भाई मधुकर जी संजावल। मधुसूदन जी, बताइए, आपने यहाँ पे 40 से 50 दिनों से आप कार्य कर रहे हो, थोड़ी जानकारी बताइए कोरोना लॉकडाउन में। कोरोना लॉकडाउन में सागवाड़ा परिक्षेत्र में बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। पुलिस प्रशासन, सभी डॉक्टर्स वगैरह सभी अपनी सेवाएं बहुत मजबूती से दे रहे हैं और ईमानदारी से दे रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे आज के भामाशाह हैं संतोष जी संचावत मांगीलाल जी, उनकी तरफ से आज एप्पल, अंगूर और दूध या मानकपुरा का सेंटर और जे आर नर्सिंग इंस्टीट्यूट में भी उनके द्वारा एप्पल, अंगूर और दूध का वितरण किया जा रहा है आज। और आज के और अगले पहले के भामाशाह को लिए भी मैं सबके लिए धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। वीरेंद्र जी गोवाड़िया है, प्राशु शाह है, राहुल शाह है, एच केसरीमल है, एस केसरीमल ज्वेलर्स है, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। और निरंतर मुझे इस कड़ी में और जरूरतमंद लोगों की सहायता मिलती रहे, मैं लोगों से यही अपेक्षा कर रहा हूँ कि मुझे इस काम में सहयोग प्रदान करें। जी बताइए, भामाशाहों के सहयोग से क्या क्या यहाँ पे फल फ्रूट दिए जा रहे हैं? एप्पल दिए जा रहे हैं, अंगूर दिए जा रहे हैं और बिस्किट भी आते हैं, कभी कभी चाय आती है, दूध भी आ रहा है। भिजवा रहा हूँ मैं बस। कितने दिनों से आ रहा है?
ये करीबन 5 दिनों से दे रहे हैं। अच्छा, 5 दिनों से दे रहे हैं। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मुकेश पड़दार, मेल नर्स ग्रेड सेकंड, जीजे हॉस्पिटल सागवाड़ा।